नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेक्वेक कंपनी का एक ड्रॉप आता है जिसका नाम है R7 ड्रॉप। ये जो ड्रॉप है ये अगर आपको गॉल ब्लैडर और लीवर की जो भी परेशानियां होती है तो वहां पर इस्तेमाल किए जाने वाला ड्रॉप है। तो ये ड्रॉप कैसे इस्तेमाल होगा, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट है, साथ ही में इस ड्रॉप को कैसे कौन से डिसीज कंडीशन में इस्तेमाल करना है और आपको इस ड्रॉप को कैसे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, इस आपके कुछ साइड इफेक्ट है या नहीं है, इसके डोसेस क्या होंगे, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो रेक्वेक कंपनी का ड्रॉप आता है R7 ड्रॉप, जो लीवर और गॉल ब्लैडर की जो भी परेशानियां होती है वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। लीवर की क्या क्या परेशानियां हो सकती है, तो लीवर में आपको संक्रमण प्रदाह देखने को मिलता है, जैसे कि हम बोलते हैं हिपेटाइटिस, यानी कि आपके लीवर का आपको संक्रमण है। साथ ही में हिपेटाइटिस के साथ साथ आप पीलिया के शिकार हो या फिर आपको भूख नहीं लगती है, जरा सा भी खा लेने पर आपका पेट आपको भरा भरा महसूस होता है, आपको हमेशा मितली की तकलीफें रहती है लीवर डिसीजेस की वजह से, तो वहां पर ये ड्रॉप बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में गॉल ब्लैडर की जो भी परेशानियां होती है, यानी कि पित्ताशय की जो भी परेशानियां होती है, तो वहां पर भी ये मेडिसिन इस्तेमाल किया जाता है। पित्ताशय की क्या क्या परेशानियां हो सकती है, तो पित्ताशय का अगर आपको संक्रमण होता है जिसको हम बोलते हैं कोलेलिथियासिस, साथ ही में आपको कोलेलिथियासिस यानी कि आपके गॉल ब्लैडर में आपके पित्ताशय में स्टोन जो है, पथरी जो है वो बन गई है, पित्ताशय की पथरियां आपके गॉल ब्लैडर में बन गई है, तो वहां पर भी ये मेडिसिन इस्तेमाल करके आपके गॉल ब्लैडर में जो भी स्टोन होता है, पथरी होती है, उसको कम करने का, उसको निकालने का काम ये मेडिसिन जो है ये करती है। तो जहां पर पित्ताशय की समस्या है और लीवर की समस्या है तो उन दोनों समस्याओं में ये मेडिसिन जो है ये आप बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल करके आप इस लीवर और गॉल ब्लैडर की परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये जो मेडिसिन है, ये जो ड्रॉप है रेक्वेक कंपनी का R7 ड्रॉप, इसमें कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन मिली हुई है, अब उसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें पहली जो मेडिसिन मिली हुई है वो है कार्डस मेरियनिस। ये जो मेडिसिन है जहाँ पर आपको लीवर संबंधी और गॉल ब्लैडर संबंधी जो भी परेशानियाँ होती है वहाँ पर इस्तेमाल करने वाली ये मेडिसिन है। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है चोनांथिस। चोनांथिस मेडिसिन जहाँ पर आपके लीवर में आपको हिपेटाइटिस या फिर प्रदाह हुआ है, जिसके साथ साथ आपको पीलिया के शिकार आप बन जाते हैं और पित्ताशय की पथरियों के वजह से आपके पित्ताशय की जो भी पित्त वाहिनी होती है उसमें दबाव आ जाता है या फिर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, तो वहाँ पर ये चोनांथिस मेडिसिन इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है लाइकोपोडियम। जहाँ पर गैसेस की परेशानियाँ बहुत ज़्यादा होती है लीवर डिसीजेस के वजह से, मुंह में बहुत ज़्यादा गंदा स्मेल और गंदा स्वाद रहता है, कड़वट स्वाद रहता है, तो वहाँ पर ये लाइकोपोडियम मेडिसिन लीवर डिसीजेस में और गॉल ब्लैडर डिसीजेस में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है नक्सवमिका। नक्सवमिका मेडिसिन ऐसे डिसीज कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर शराब और ज़्यादा तंबाकू या फिर स्मोकिंग करने के वजह से जो भी परेशानियां उभरती है लीवर रिलेटेड, तो वहां पर ये मेडिसिन इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति है बहुत ज्यादा शराब पीता है उसके बाद उसको लीवर की परेशानियां या फिर गॉल ब्लैडर की परेशानियां चालू हो जाती है, तो वहां पर नक्सवमिका मेडिसिन हम देते हैं। साथ ही में जब आपको कब्ज की बहुत ज्यादा शिकायतें हैं और कब्ज के साथ साथ आपको भूख जो है वो आपकी कम हो गई है, तो वैसे सिचुएशन में ये नक्सवमिका मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है चिलिडोनियम। चिलिडोनियम मेडिसिन जहाँ पर आपको लीवर का बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती है, लीवर में सूजन है, गॉल ब्लैडर में सूजन है और पित्त की समस्याओं की वजह से आप पीलिया का शिकार बन जाते हैं, तो वहाँ पर चोनांथिस मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिला हुआ है वो है कोलेस्ट्रिनम। जहाँ पर लीवर में सूजन आ जाती है, लीवर बढ़ जाता है और लीवर की जो पेशियाँ होती है, कोशिकाएँ होती है, वो धीरे धीरे मरने लगती है, जिसको हम बोलते हैं
सिरोसिस, तो वहाँ पर भी मेडिसिन इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो सारे होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने अभी बताए, तो ये रेक्वेक R7 ड्रॉप में मिली हुई है, जो मदद करती है आपके लीवर और ब्लड बैनर की परेशानियों को ठीक करने के लिए। तो इस मेडिसिन को आपको सेवन कैसे करना है, तो ये लिक्विड फॉर्म में आता है, तो इसके 10 या 15 बूंद आप एक चौथाई कप पानी में डालकर दिन में 3 या 4 बार ले सकते हैं। अगर आपको क्रॉनिक कंडीशन है तो वहाँ पर 3 बार लीजिए, एक्यूट कंडीशन है तो वहाँ पर आप डोज ज़्यादा देर के लिए रिपीट कर सकते हैं। इस मेडिसिन को लगातार सेवन करते हैं 4 या 5 महीने के लिए, तो आपके लीवर और गॉल ब्लैडर की परेशानियाँ कम हो जाती है। इस मेडिसिन को आपको दिन में 2 या 3 बार या फिर 4 बार भी ले सकते हैं, खाना खाने के आधे घंटे पहले या फिर आधे घंटे बाद इस मेडिसिन को आपको सेवन करना है। तो इस मेडिसिन को आपको कैसे मंगवाना है, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके इस मेडिसिन को आप डायरेक्टली ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। तो ये मेडिसिन के बारे में आपको समझ में आ गया हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही में इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। जिनको भी लीवर और गॉल ब्लैडर रिलेटेड परेशानियाँ हैं तो उनके लिए वीडियो और मेडिसिन दोनों मददगार रहने वाले हैं। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।